फैसे गुड टू मैं न्यू वीडियो वापस आ चुकी हूँ न्यू दस वीडियो के साथ। और आज अपन भाई इतना बड़ा पपई का बाग सूख रहा है यार, इसको पानी दो यार। पेड़ नहीं देखे जाते हूँ जैसे सूखते हुए। चलो कोई ना, अभी थोड़े दिन में बारिश आने वाली है इसलिए लगता है उन्होंने अभी दिया नहीं, थोड़े दिन ही बचे हैं। और मैं क्या कह रहा था भाई जी, लाइट ही नहीं है भाई जी, लाइट मतलब 5:18 हो चुके अभी, लेकिन उन्होंने लाइट नहीं छोड़ी। बताओ क्या बोले अभी इनको, अपन 1 घंटे से खड़ा हूँ। पकड़ी गई चोरी, माफ़ करना यार, यहाँ पर मैं 1/2 घंटे से खड़ा हूँ पर अभी तक लाइट ही नहीं आ रही। भाई साहब आ जा भाई आ जा, क्या बताओ यार। चलो लाइट आके आने के बाद मिलते हैं भाई। पता नहीं क्यों भाई छोड़ ही नहीं रहे लाइट, पूरा दिन नहीं थी, अभी 5 बजे आती है तो अभी तक नहीं छोड़ी भाई साहब इन्होंने। 5:20 होने आए, 5:30 होने आ गए पर इन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी नहीं। वेरी गुड गवर्नमेंट, वेरी गुड। चलो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट। बॉयज़ एंड गर्ल्स, भाई लाइट आने का नाम नहीं ले रही। फिर मैंने बोला चलो भाई इनको क्यों भूखा रखना है, यहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई की मैंने और इन सबको खाने के लिए डाल दिया, सबको डाल दिया खाने के लिए। अभी गवत लेके आते जल्दी से, फिर उनको पानी पिलाएंगे। थोड़ा सा ब्रेक ज़रूरी है इनके खाने के बाद, समझ रहे हो, एटलीस्ट 10 मिनट का ब्रेक ज़रूरी है। गवत लेके आते उसके बाद इनको माफ़ करना, पानी पिलाते हैं और बस उतना ही है, अपना दिन ख़त्म हो जाएगा फिर। भाई लाइट कब आएगी भाई यार, भाई लोग लाइट होने का नाम ही ना ले रहे, पता नहीं क्यों क्या हो चुका है इनको। चलो कोई ना, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, खुद की लाइट तो है नहीं। चलो आपको मिलते हो अभी नेक्स्ट क्लिप में। सुबह जंगल गवत लगा डाल दिया है, अभी तो ये यही खा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद इनको अभी पानी पिला देंगे। वो बहुत प्यास लगी हुई है, कुछ भी बोलो। भाई भैंस इतनी पागल है ना भाई, पूरा वो उथड़ पुथड़ करती है अपने पैरों से, फिर उसको गोबर लग जाता है तो खाती नहीं है। देखो ना उसके उसके सामने कितना कचरा है, और ये देखो इधर भाई चार छूट के खा जाएगी सब कुछ। चलो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। अभी तो भैया उस दिन बोल रहा था ना पेंट, इसको पेंट बोलते हैं, ये होते हैं छिलके, देख रहे हो, जिससे तेल निकालते हैं ना, तेल के बाद जो बचता है उसके छिलके सारे के सारे। ये देखो इधर, ये मूंगफली के नहीं है, ये दूसरे इसके, समझ लो बहुत टाइप के तेल होते हैं ना अलग अलग, ये उसकी गुनी है, मतलब बूरी है ये उसकी। और ये बाद में बना हुआ वो, अभी इसके अंदर पानी ये सोख लेगा सारा का सारा, फिर ये फूल जाएगा, जैसे चावल होते हैं ना वैसा होता है, जैसे अपने चावल होते हैं, फिर गाय खाएगी और बहुत ज़्यादा दूध देगी। चलो अपना काम ख़त्म हो चुका है, बस एक काम बचा है अभी यहाँ पर, उस काम का नाम है मुझे गाय ने गोबर किया है ना उसको थोड़ा सा साइड में कर देना, नहीं तो ये बैठते हैं ना उसके ऊपर बीमार पड़ सकती है, इसलिए रिस्क नहीं लेना। अभी इतनी भर चुकी है ना, पापा आएंगे ना इसको साफ़ कर देंगे पूरा पानी मार के। भाई सबसे अच्छा ये है भाई, सब बिल्कुल गंदा नहीं होता, एकदम स्वच्छ रहता है, स्वच्छ बट है यूज़लेस हमारे लिए, किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको ब्रीडिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते, इसका ही बच्चा है ना, सो जेनेटिक्स सेम हो गए तो इनके बच्चे वीक होंगे, सो ही इज़ यूजलेस। ये बहुत काम की अपने, क्योंकि ये बड़े होने के बाद बहुत सारा दूध देगी, हमको अमीर बना देगी, अमीर। भाई इतनी सी खाना भी चालू कर दिया, देख रहे हो अभी हुई है, मंथ भी नहीं हुआ इसको, देख रहे हो। चलो आपको मिलता हूँ अभी सीधा नेक्स्ट क्लिप में, बाय बाय। देख रहे हो भाई जी, भाई भाई बहनों की दोस्ती देख रहे हो, झगड़े देख रहे हो, इनके झगड़े देख रहे हो, इतनी सी है अभी तक, 1 महीने की भी नहीं हुई और देख रहे हो उससे झगड़े कर रही है, टोनगे से झगड़े कर रही है, देख रहे हो, एक महीने की भी नहीं आई है अभी, बहुत प्यारी है, क्या ही बताओ। मेरे दादाजी बोले बहुत अच्छी हुई है, अगर ये बड़ी हुई एकदम अच्छी से तो बिना बीमार पड़े, और इनके तो यहाँ पर झगड़े चलते ही रहते हैं भाई ये वाले पेड़ पे। चलो ये कंटा गया, चलो जल्दी से बोर चालू करके आते हैं, लेट्स गो। बॉयज सिंगल सब, मैं आया था बोर चालू करने के लिए बट अभी तक लाइट थोड़ी सी लाख लुक कर रही है ना, तो भाई ने बोला थोड़ी देर के बाद चालू कर, और मैं यहाँ पर आया तो मुझको ऐसे स्मोक जैसी बदबू आने लगी, तो मैंने ध्यान से देखा तो वो देखो पहाड़ चल रहा उधर भाई। मुझे तो ये समझ गया था लोगों को दिक्कतें क्या है भाई, गंजे पहाड़ को भी जला रहे हैं भाई साहब, वो देख रहे हो, आपको लग रहा होगा बहुत कम आगे पर आग बहुत ज़्यादा है, और भाई ये आग बहुत ज़्यादा फैलती है, मुझे नहीं समझ आता भाई लोग क्यों जला देते हैं पहाड़ वहाड़, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है यार पहाड़ जलाना भाई,
बहुत सारे जानवर रहते हैं पहाड़ पर, उनको तंग होते हैं पता है, इसलिए ना गांव के अंदर शेरों की ना वो जो खतरा होता है पता है, ये साला ऊपर पहाड़ जाके जला देते हैं, उनको जाएंगे कहाँ, उधर से खदड़ के नीचे आते हैं, फिर नीचे इंसान और खदड़ते हैं, फिर सिटी में जाते हैं, फिर सिटी से पकड़ के उनको कहीं जू वू में फेंक देते हैं, जू में नहीं तो ऐसे जंगल जंगल में छोड़ देते, फिर वही होता है, फिर वापस जंगल जलाते, फिर वापस सिटी में आते, फिर वापस उनको पकड़ो, समझ रहे हो, ऐसे ही पहाड़ से वो आते हैं। देखो अभी वो पहाड़ है ना उधर, वो जो कोना है वहाँ पर एक अड्डा है, समझ रहे हो, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जानवर रहते हैं उस कोने में, वो ले पहाड़ के कोने में, समझ रहे हो, और उसी के पास उन्होंने आग लगा दी, और आग से जानवर कितने डरते हैं वो तो सबको पता है भाई, ये आग देखो ना कितना फैल रही है भाई, है ना, कितना जल्दी जल्दी आगे आगे आ रही है, बहुत ज़्यादा भड़की हुई आग है, यहाँ से एकदम साफ दिख रही है साफ, और पहाड़ बहुत दूर है, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर होगा, 1 या फिर 2-2 किलोमीटर दूर होगा वो, तब भी यहाँ से एकदम साफ दिख रही है, इसका मतलब आग बहुत ज़्यादा बढ़ी है भाई, जो जल रहे थे पहाड़, ओह माय गॉस ब्लो, रात थी तो दिखा नहीं, समझ रहे हो, लास्ट टाइम की आग इससे भी ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा, वो ऐसी फैली हुई थी, समझ रहे हो, उस कोने से लेके ऐसे इधर तक, इधर तक, ये पता कौन सी आग हो सकती है, ये ना जो पिछली बार आग जली थी ना, क्योंकि बड़ी बड़ी लकड़ियाँ कैसे होती है, बूझती नहीं है 3-4 दिन तक, फिर वही सुलग गई होगी और वापस पहाड़ जल गया, हाँ चलो क्या ही बोल सकते हैं भाई यार, होगा कुछ रीज़न, क्योंकि वो जो है ना आपको बताता हूँ ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टी है ना वो यहाँ पर है, समझ रहे हो, ये जो दिख रही है मेरी उंगली एग्जैक्ट, ये पूरी यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर एक एक कर हमारा है, और उसके नीचे एक एक एकर बबन अन्ना का है, हमारे ही भाई बंधु, फिर इधर भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी, आई थिंक वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और ये वाली साइड पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्या बताओ ब्रो, दिस इज़ नो गुड ब्रो, दिस इज़ नो गुड यार भाई, वो आग देख रहे हो कितनी फैल रही है, वो देखो उधर, वो देखो भाई, ओ भाई साहब, मुझे तो मन ही नहीं कर रहा भाई जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूँ, ऐसा लग रहा है पूरा पहाड़ जलते हुए दिखाओ भाई साहब चलो आपको मिलता है नेक्स्ट क्लिप में, ये पहाड़ वहाड़ तो जलती रहते हैं, गांव के अंदर नॉर्मल चीज़ है भाई, गर्मियों के टाइम पे जैसे बारिश वाला मौसम आने लगता है ना, लोग पहाड़ वहाड़ जला देते हैं, क्योंकि लिए जब ये सूखी हुई घास दिख रही होगी ना यहाँ पर, देखो ये जो सूखी हुई घास है ना, ये जब जलेगी तभी नई घास उगेगी, जब तक ये घास यहाँ पर है ना, और बारिश आने के बाद ये सड़ेगी, उसके बाद ये गल जाएगी, उसके बाद ही नई नई घास उग पाएगी, फिर लोग घास जला देते हैं जिससे कि इनकी राख बन जाती है, और राख के वजह से जो नीचे वाली घास है वो और अच्छी उगती है, फिर बारिश वाले मौसम में सारे अपने गाय बैलों को भैंसों को पहाड़ पे लेके जाते हैं, चलो आपको मिलता होगा नेक्स्ट क्लिप में, लेट्स गो भाई, 3 दिन से कोशिश कर रहा हूँ स्ट्रीम करने की अपने दूसरे चैनल पर भाई कुछ ना कुछ हो ही जाता है, पहले दिन मैंने क्या बोलते हैं वो क्या जो अपना सर्वर सेंड ऑल होते हैं ना उस भाई, आग देखो भाई क्या भड़क गई है भाई, वो पट्टी देख रहे हो भाई साहब, गलत ही सीन हो चुका है भाई जी पहाड़ पे, तो भाई यार ऐसे नहीं चलाना चाहिए, ये जानवर वानवर कहाँ जाएंगे भाई पहाड़ के, अभी मतलब उन्होंने उतना पैच जला दिया, अभी उधर ही थोड़ी रहेगी वो आग, इतनी भड़क चुकी है आग यहाँ से दिख रही है तो एकदम भाई, पता है वो आग कितनी भड़की हुई है, एक इंसान उसके पास जाए ना इंसान की मिट्टी हो जाएगा इंसान, समझ रहे हो, आग के अंदर इतनी भड़क चुकी है आग, मतलब इतना दूर से दिख रही है भाई, वो पास नहीं है बहुत दूर है वो, मतलब यहाँ से अपने चलना चालू किया ना अपने को कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे उस जगह तक पहुँचने के लिए, इतना दूर है, 2 या फिर 1 घंटा, जिसका स्टेमिना अच्छा है उसको 1 घंटा, जिसका स्टेमिना बुरा है उसको 2-2 घंटे लगेंगे उस जगह तक पहुंचने के लिए, इतना दूर है वो, और ये लोगों का किया खर्रम है पता है, क्योंकि ले अपने आप आग लग नहीं सकती पहाड़ पे, पहली बात तो क्योंकि ले ना बिजली कड़क रही है ना बारिश वाला मौसम है, तो बिजली गिर के तो वो आग लगी नहीं है, इंसान ने लगाई है, और पूरे ये क्यों लगाते हैं पता है, देखो जब बारिश होती है तब ना कांटे के पेड़ उगते हैं ठीक है, बेल जैसे कांटे होते हैं, और वो ऐसे उसको मतलब समझ रहे निकाला नहीं है ना गाय, मतलब वो जो गाय लेके जाते हैं ना, गाय वाय लेके जाते हैं चराने के लिए, वो खा नहीं पाते, सो वो फिर वो कांटे जला जला देते हैं, फिर बारिश होगी नई घास फूटेगी और उनको मिलेगा खाने के लिए भाई सब, पर इसके वजह से दूसरे जानवरों को कितनी तकलीफ़ होती है,
और पहली बात तो ऐसे पहाड़ जलाने नहीं चाहिए, नहीं तो ऊपर के जंगली जानवर नीचे आते हैं, फिर अपन कंप्लेन करते हैं कि भाई नीचे क्यों आए, अपने घर के पास क्यों आए जानवर, क्योंकि इस वजह से आए, इस वजह से शेर वेर आके बकरे बकरे खा जाते हैं, बोलते हैं भाई शेर ने बकरा खा लिया, क्यों नहीं खाएगा भाई जी बकरा, उनके घर जाके जला रहे, वो अपने घर आएंगे स्वागत करने के लिए। भाई चांद देखो, ओए होए होए होए, एकदम क्लियर है, क्लियर बादल, ना बादल ना तारे, ओनली चांद। और यहाँ पर अभी से सनसेट हुआ है, चलो लाइट नहीं है भाई, ठीक कुछ भी बोलो। बॉयज एंड गर्ल्स, रात हो चुकी है, रात के 2 बज रहे हैं और लाइट आई नहीं कभी भी। आई मीन शाम से जो बोल रहा था लाइट की दिक्कत हो रही है, तब से गई थी और वैसे ही लक लुक होती रही, ना मोबाइल चार्ज हो रहा है, ना लैपटॉप चार्ज हो रहा है, ना राउटर चल रहा है। और अभी तक थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी और अचानक बारिश चालू हो गई, हवा भी बंद हो गई, बारिश भी बंद हो गई और गर्मी बढ़ गई। भाई साहब उमस बढ़ गई, उमस बारिश के बाद, मतलब आज का दिन बड़ा ही गंदा है, कुछ भी बोलो यार। अभी लाइट भी जा चुकी है, देख रहे, पहले थोड़ी थी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, बहुत हालत ख़राब हुई पड़ी है। पहले क्या बोल सकता हूँ, पहले ये था, क्या बोलते हैं, थोड़ी लक लुक हो रही थी लाइट पर, थी चलो ठीक है, मोबाइल चार्ज हो रहा था एटलीस्ट, वो भी चली गई। और अभी ना मोबाइल चार्ज हो रहा है, ना लैपटॉप, क्योंकि पूरी कंप्लीट लाइट जा चुकी है। कल सुबह तक अभी लाइट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो डी पी होती है ना, मेन जहाँ से लाइट आती है, वहाँ पर फीस गिर गई होगी, उस फीस को डालने के लिए किसी को जाना पड़ेगा, और अभी इतने बारिश का तो कोई नहीं जाने वाला। चलो आपको मिलता कल सुबह। बॉयज एंड गर्ल्स, डे 2। भाई रात को बिल्कुल नींद नहीं आई, और एक खुश खबरी दूँ, एक ये लाइट अभी तक नहीं आई, दूसरा दिन हो चुका है भाई जी, और दूसरे दिन की रात होने आई है। सूरज देख ही सकते हो, 2 या फिर 3 घंटे में सूरज नीचे चला जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा दिन कंप्लीट हो जाएगा, बट किसी को अभी तक लाइट की याद ही नहीं आ रही। देख रहे, भैंसिया जैसी किस्मत हो चुकी है अभी, एकदम डार्क। चलो ये देखो भाई जी, अपनी गुदिया, माँ गुदिया, उसको अभी भूख और प्यास लगी है, पर उसका इनका सारा काम पिताजी देखेंगे, अभी गोबर ओबर उठाना है एंड ऑल, अपने को जाना है, इनका खाना लेके आना है, लेट्स गो। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अपन ने गायों को चारा लगा डाल दिया और फाइनली अपने घर पे लाइट आ चुकी है, और अभी अपन जाएंगे जल्दी से अपने रूम के अंदर और गेम्स खेलेंगे थोड़े से भर भर की। जस्ट जोकिंग गाइस, आई वांट अ स्ट्रीम मैन, आई वांट अ स्ट्रीम। चलो चलते हैं अभी घर पर, इनका सारा काम खत्म हो चुका है, आज मैंने नहीं किया इनका ज़्यादातर काम, पिताजी ने किया। सुबह का समय है और अभी अपन आ चुके हैं, क्या बोलते हैं, तो सुबह सुबह क्या करते हैं लोग, अरे सॉरी लोग नहीं करते, हम कर रहे हैं, हम आज भरना करने वाले हैं आफ्टर सो लॉन्ग टाइम ब्रो। क्या बताओ यार, चलो चलते हैं अभी जल्दी से अपना जो घास से उसको भरते हैं, और चीज की चिंता, हाँ खाया पिया सो गई, अभी मोटी मोटी हम मोटी, बहुत सारे मोटू 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 मोटू, ये भी बहुत प्यारा है, वो भी बहुत प्यारी है, सारे ही प्यारे हमको छोड़ के। चलो आपको मिलता हूँ अभी। क्या बताओ यार, सुबह सुबह यार बहुत काम है, वो अपनी रेंजर खड़ी उधर, सॉरी हीरो, हीरो है उसका नाम, हीरो, ये अपनी चैंपियन खड़ी इधर। और यार मैं सोच रहा हूँ मराठी में व्लॉग बनाऊँ यार, पता है इट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टू स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी ब्रो, कोई देखता ही नहीं है। चलो लेट्स सी, मैं सोचा है, अभी तक डिसाइड नहीं किया,
इसको भर के आपको वापस मिलता है, ठीक है? सुबह सुबह उठ गए थे, पता नहीं क्यों उठा यार, ना भरना करना है ना कुछ करना है, प्लान कैंसिल हो गया यार। आई मीन मुझको सुबह के 6 बजे उठा दिया, रात के 12 बजे हम सोए थे। क्यों सोए थे 12 बजे? क्योंकि हम टिपिकल इंडियंस ब्रो, लैपटॉप देखते देखते इतना खो गए कि पता ही नहीं चला कब 12 बजे। अच्छा वो मेरा टाइम देख लिया, नहीं तो सुबह की 6 बजे तक जागा ही रहता। फिर बोलता अरे भाई साहब बाहर सुबह हो चुकी है, सो जाते हैं। फिर पापा आके गांड पे लात मारते, इतना लेट तक सोता है तबीयत खराब हो जाएगी ना तेरी, क्या बताओ यार। तब भी यार 7 बजे उठता हूँ मैं, 1 घंटा पहले ही उठा दिया। देखो दिक्कत 1 घंटे की नहीं है, दिक्कत पूरे दिन की है, पूरा दिन दिक्कत होने वाली आज। चलो नो प्रॉब्लम्स, आई विल कॉल माय डैड एंड से पिताजी हम जा रहे हैं, हमको शेविंग भी करनी है। आप देख सकते हो पूरा जंगली बन रखा हूँ, आज बाल भी काटने हैं, मतलब है छोटे ही, तब साइड कट मारेंगे, थोड़ा शेप देंगे शरीर को। देख रहे वैम्पायर टीथ सब आई के पास, खून चूस लेंगे सबका, लाइक कर दो। सो बॉयज एंड गर्ल्स अपन वापस आ चुके घर के अंदर, और अभी अपन जा रहे हैं भाई, ये देखो कितना अच्छा है ना, आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सारे माउंटेन्स दिखते हैं, माउंटेन्स, पर इसका ना एक डिसएडवांटेज ये है कि कैसा होता है ना, रात के टाइम पे ये मिरर बन जाता है अंदर से, ठीक है, और सुबह के टाइम पे बाहर से मिरर बन जाता है। और मतलब रात के टाइम पे मतलब बाहर का अंदर नहीं दिखता, बस अंदर का ही बाहर दिखेगा दोनों टाइम। और उसके वजह से ना देख रहे हो अपन ये नाखून के निशान, ये सारे इन चिड़ियों के हैं। इनको बाहर अपनी मिरर दिखती है ना, उनको लगता है इनकी टेरिटरी में दूसरी चिड़िया आ चुकी है, वो चोचे मारते हैं यहाँ पर। दिखता बहुत प्यारा है यार ये, पता है, और बाहर से ग्रिल है ना, इसलिए ना अंदर का दिख ही नहीं सकता भाई जी, ग्रिल पूरा फोकस कर लेती है अपनी आंखों को। चलो यहाँ पर भाई जी बहुत गर्म हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अंदर अभी अपने रूम के अंदर। भाई जी दाढ़ी वाड़ी मैं कह रहा था, दाढ़ी वाड़ी करेंगे ज़रा यार, थोड़ा जंगली से थोड़ा इंसानियत में आते हैं भाई। रूम इतना ठंडा है यही भाई, ये हुआ एकदम लाइट चालू, स्टटर हो रहा था स्टटर। चलो जल्दी से नहाते नहीं है, सबसे पहले दाढ़ी करेंगे, ठीक है ये, उसके बाद आज कटिंग करने जाऊँगा, क्लियर कटिंग करने जाते हैं ना साला 40 रुपये लेते हैं भाई, बस दाढ़ी उड़ाने के 40 रुपये। इससे अच्छा घर पे दाढ़ी उड़ाओ, मूछों को थोड़ा सा सेट करो, सेट मतलब जो होठ पे ही है ना उनको काट दो, ऐसे नीचे नीचे लेके जाओ। उसके बाद आज जाने के बाद साइड कट मारूंगा, ऊपर वाले बाल को थोड़ा सा वो देंगे, क्या बोलते शेप देंगे बालों को, नहीं तो ऐसे लगता है उबला हुआ आलू। चलो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लिप में। सो यू गाइस अपन घर पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं जैसे कि आपको पता ही था ये कटिंग से लग ही रहा होगा, मैं कहीं पे गया था, मेरे मामा के पास जत्रा थी, जत्रा मतलब मेला टाइप होता है, जैसे मेला लगता है ना, लोग मेला बोलते हैं, हमारे इधर जत्रा बोलते हैं, सो वही है, उनकी जत्रा थी तो मैं गया था, मतलब कल ही थी जत्रा, आज मैं मम्मी और मेरी बहन को लेने गया था, वो वहाँ पर रुके थे ना उनके घर पे, तो आज लेने गया था, तो पूरा दिन उसमें ही चला गया। सुबह 10:30 बजे गया और पूरा दिन उधर ही रहा, और शाम को 6-6:30 बजे तक हम वापस आ गए। और जो हमारा जो मैंने वो सामान ही निकाला था कि बाहर वो हमारे शेड से, उसको वापस अंदर रख दिया, क्योंकि अभी वापस अच्छे से मुरम हो गया। मुरम का मतलब होता है सीमेंट की फर्श बना दी है उधर, सो वो डन हो चुकी है। तो सारा सामान अंदर शिफ्ट किया, मैं वापस आ गया, उसको भी नहाना है, नहाने के बाद आपको मिलता है अभी कल सुबह, ठीक है। लेट्स गो, नेक्स्ट क्लिप में मिलूंगा, ठीक है। ये वाला ब्लॉग लंबा करना है, इसलिए मैं 2 दिन का ब्लॉग एक ही बार में एडिट करके अपलोड करता हूँ, ठीक है। चलो बॉयज एंड गर्ल्स रात के 12 बजे रहे, और भाई ये देखो कुछ दिखाता हूँ, ठीक है ये देखो भाई, जो सॉरी जो चांद दिख रहा है अपनी खिड़की से, ओए होए 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 होए। चलो गुड नाइट बोलते हैं, मैंने तो बस ये सोते समय मेरे रूम के अंदर लाइट आई ना अचानक से, मतलब आपको कैमरे के अंदर नहीं दिख रही होगी, पर मून लाइट चमक रही है बहुत तेज भाई, देखो ना मूंद पूरा का पूरा साफ है, मतलब थोड़ा सा धुंध है पर ठीक है, मतलब धुंध होने लग गई ना अभी, ठंडी आ रही है तो फिर बारिश वाला मौसम होने लगा है ना अभी, इसलिए धुंध आती है यार शाम को। भाई जो चांद दिख रहा है बहुत मजे भाई जी, बहुत मजे, बहुत मजे। आओ आपको मिलता है अभी नेक्स्ट क्लिप में।
सबको, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। मैं भी एडिटिंग करता हूँ और सुबह हो चुकी है गाइस। चलो बहुत ज़्यादा गाइस गाइस हो गया, बाय बाय।